So, hi Sumer, welcome to Film Beat. Firstly, congratulations. Talking about your collaboration with Flipkart, what do you have to say? How this happened? Really honored, and I'm very happy. I wanted to work Flipkart. I think so 2 3 years back also we were supposed to collaborate for something, but unfortunately, fortunately, that didn't happen. एक वो दिल में रह गया था कि फ्लिपकार्ट के साथ नहीं मैंने किया उस टाइम, एंड देर आई दुरुस्त आए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट केम अप विद अ कॉन्सेप्ट विच आई कुड फिट इन एंड रियली हैप्पी टू वर्क विद देम एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कोलैबोरेशन ऑफ अस. Okay, so talking about your character, Pammi Aunty, कितना नॉस्टैल्जिक था, डूइंग इट अगेन एंड अगेन. लाइक लोगों को नजर मिल देखने मिलेगा. क्या है पम्मी आंटी, मैं जब जब सोचता हूँ कि मैं नहीं करना चाहता हूँ वो उतना ही मेरी जिंदगी में वापस आ जाती है. एवरी टाइम आई टेल माय फ्रेंड्स कि मैंने बहुत कर दिया पम्मी आंटी, मुझे अब और नहीं करना, बट सम बिग कोलैबोरेशन और समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप, वो कॉन्सेप्ट कम्स अप एंड आई एम फोर्स्ड टू डू इट. एंड दिस टाइम अगेन हैपेंड, द प्रोडक्शन हाउस कॉन्टेक्टेड मी, इंडियन स्टोरी टेलर सी लाइक सुबीर, I want you to do this thing. This is fun thing, and I want you to do that. I'm like, oh, फिर पम्मी आंटी. She like, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यू लव इट. एंड वेन आई हर्ड द कॉन्सेप्ट आई वाज लाइक वाओ, आई एम रेडी टू डू इट. एंड आई वाज इन अ प्रोसेस ऑफ एक्चुअली इंक्रीजिंग माय बियर्ड फॉर सम अनदर कैरेक्टर. ये कॉन्सेप्ट सुनते ही मैंने फटाफट दोबारा शेव कर दिया एंड वो फोटो शूट एंड कोलैबोरेशन मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया 1.5 महीना में, कहा मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा करने दो, आई एम एंजॉयिंग इट. सो दैट्स हाउ इट इज. See, that's what they think with Pammi Aunty, you have to keep it clean shape. That's the only issue. Exactly, and पम्मी आंटी को लोग बहुत बेहद प्यार करते हैं. We have seen your few more videos, and recently अगर बात करो तो मनोज बाजपेयी के साथ भी आपने जो है उनको प्रमोट किया था पम्मी आंटी के रोल में ही. लोगों ने वो भी काफी पसंद किया. सो टॉकिंग अबाउट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वे लाइक वेन यू रिसीव या फिर पम्मी आंटी को इतना प्यार मिलता है, एनी रैंडम से कोई बेस्ट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आपको याद हो तो वन ऑफ द बेस्ट. Some people call Pammi Aunty anti depressant. Some people say काश हमारी सास तेरी तरह होती. कई कहते हैं तू मेरे को मेरी दादी या नानी की याद कराता. सो आई थिंक सो दीज आर द ब्रिलियंट कॉम्प्लीमेंट्स यू कैन गेट. वन पर्सन टोल्ड मी दैट आई सेव दैट पर्सन फ्रॉम कमिटिंग टू सुसाइड. सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई कुड एवर हियर फ्रॉम समबडी. एंड सिंस देन वी हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. आई वुड नेम दैट पर्सन बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी. Apparently he was about to commit a suicide, and that's when Pammi Aunty was introduced in his life. And rest is the history. He's alive. It's been 4 years. So, बहुत प्यार मिलता है. 3 days back, I was sleeping in home, and somebody randomly came to my house and dropped a bouquet of flowers. And I was like, कौन है? And then मैं आधी नींद के अंदर उठ के गया. And like, yeah, we are your fans. मैं कहा मेरा ड्रेस कहाँ से मिला? He like we managed it and they came. He like because of you we are alive or we have a reason to love. So इससे ज़्यादा आपको लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं होता व्हेन इतना प्यार और दुआएं मिलती हैं. That's amazing. And apart from that, talking about the show, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है and how you are going to interact with audience? So what is happening? This show is very interactive with the audience. So what happens? Pammi Aunty asks 3 पहेलियां and Pammi Aunty gives clues for them to solve. एट द एंड ऑफ द टाइम पम्मी आंटी शायद चाहती है कि आप सॉल्व कर दो. इतने क्लूज दे देती है कि आई रिमेम्बर वन ऑफ द एपिसोड की लाइन में होते और कितने क्लू दू मुंह में आकर बता दू क्या कि ये आंसर है. सो इट्स फन. तो वो तीन वो काफी सारे 7 8 क्लू देती है 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करनी है. और वो यहाँ तक की लाइफ लाइन भी देखिए, अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप लेकर उसको ठीक कर दो. बट आई एम क्वाइट श्योर कई लोग उसको भी गलत करते होंगे. जैसे आई रिमेम्बर माई मॉम इज टेलिंग मी कि मेरे को बता दे फटाफट आंसर बता दे मैं ठीक कर देती हूँ. मैंने आंसर मम्मी को बता दिया, उसमें भी उन्होंने गलती कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक. देखा ओह क्या हो क्या यार. सो इट्स वेरी इंटरेक्टिव. लाइक व्हाट वी हैव कॉन्सेप्ट मम्मी की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हमने डाल दी हैं, तो वो रिडल को सॉल्व करवा ही रही है, गेम खिला रही है, खेल पहेलियों का, मगर साथ साथ वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रही है. सो पीपल हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक फॉरवर्ड टू आल्सो कि अब क्या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम. सो दैट्स दैट. सो इट्स वेरी गुड फॉर मी, आई एम एंजॉयिंग इट. एग्जैक्टली काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द सेकंड सीजन. बिफोर दिस वी हैव सीन प्रिंस नरूला, वो इस सीजन को होस्ट करते थे. सो अब ये सीजन को आप होस्ट कर रहे हो. सो क्या लग रहा है आपको? सीजन 1 तो लोगों ने देखा है, सीजन 2 के लिए एक्साइटमेंट है उतनी ज्यादा या प्रेशर है? See, I have not got the feedback from that video yet, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 3 या 4 एपिसोड्स ही बाहर आए हैं. So I think so they will get back to me के how the response is coming.
But I'm, if you ask me, I am trying myself. It is tough to fit in somebody else's shoe जो पहले से ही करते आ रहे हैं. जैसे आपने कहा प्रिंस नरूला कर रहे हैं, बट आई थिंक सो दैट वाज डिफरेंट स्टाइल. ही वाज प्रिंस नरूला, हियर वी हैव पम्मी आंटी. सो पम्मी, विद पम्मी यू कैन प्ले अ लॉट विद पर्सन. लाइक अगर आप मुझे सुमीर कहोगे, सुमीर शायद ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा. सुमीर की बाउंड्रीज होगी कि सुमीर ऐसे ही बोलेगा, बट पम्मी तो पागल औरत है, वो तो कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है. सो दैट्स वॉट द फन इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स वॉट द गेम्स आर मेंट टू. ओके सो कितने सिमिलैरिटीज है सुमेर और पम्मी में? बिल्कुल कोई नहीं है. पम्मी को गॉसिप करना पसंद है, सुमीर को बिल्कुल नहीं है. पम्मी हिपोक्रेट है, सुमीर बिल्कुल नहीं है. पम्मी इधर की उधर करती है, सुमीर नहीं करता है. हाँ, आवाज हम दोनों की काफी काफी मिलती जुलती है, वो एक सिमिलैरिटी. मैं कई बारी ये सोचता हूँ कि किसी का फोन आता है, वो कहेंगे सुमीर सर बोल रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं, मैं उनका मैनेजर बोल रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत मिलती है. आवाज तो मिलती है. सो कोशिश करता हूँ, बट इट्स गुड फन. ज्यादा सिमिलैरिटीज है नहीं. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक्सप्लोर करने का जॉनर मिला तो कौन से जॉनर में अब आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? बिकॉज वी हैव सीन योर कॉमेडी एंड वी हैव सीन लाइक हाउ यू आर, सो नाउ व्हाट इज देयर यू I've done serious roles पहले भी, वो अलग बात है कि मेरे को popularity comedy से मिली. मैंने serious भी पहले बहुत किया है, वैसे whether it was Code Red और मैंने movies करी. अभी movie आ रही है, वो बिल्कुल अलग होगा, नई किरदार में मुझे देखेंगे. So, लोगों को लगेगा कि हाँ, ये आंटी की जीवा भी एक्टिंग कर सकता है. बट यस, एज एन एक्टर आई थिंक सो देर इज नो एंड. हर एक किरदार निभाना एक टफ चीज है, उस किरदार को जीना टफ है. कितना मैं निभा पाता हूँ वो अलग कहानी है, वो तो समय बताएगा. ओके सो इसके अलावा अगर रियलिटी शो की बात करो तो हमने जो है आपको देखा था रियलिटी शो में ससुराल से मरका, उसका सेकंड सीजन भी आ रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? ससुराल रियलिटी शो नहीं था, वो शो था. यस यस टेलीविजन शो डेली सोप की बात करो तो हाँ, अब यस उन्होंने अभी मेरे को सेकेंड सीजन में अप्रोच किया नहीं है. करते तो मैं जरूर सोचता, अभी उन्होंने मुझे किया नहीं है, क्योंकि कहानी बिल्कुल अलग चल रही है. मैं पुराने में से खाली दो ही कैरेक्टर्स पुराने लिए उन्होंने, जयती भाटिया जी और दीपिका दीपिका को लिया है. बाकी कोई भी पुराना नहीं है. सो स्टोरी लाइन कैसा है, कहाँ जाकर बढ़ता है, मैं पिछले बारी में भी 6 महीने के बाद एंटर किया था. जब पहला शो शुरू हुआ था, उसमें 6 बजे के बाद, 6 महीने के बाद मेरी एंट्री हुई थी. सो यू नेवर नो, 6 महीने के बाद मैं आपको ससुराल 2 में भी दिख जाऊं, समय बताएगा. ओके एंड अगर रियलिटी शो की बात करो तो कौन से शो का आप हिस्सा बनना पसंद करोगे? मैंने बहुत दिली तमन्ना थी मैं इंडियन आइडल या फिर सारे गामा पा टाइप के शोज में जाऊं. मैंने ऑडिशन भी दिया था, उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया. मुझे था कि शायद मेरा सेलिब्रिटी स्टेटस जान के खुश हो जाएंगे, बट उस टाइम मे बी इट वॉज माई बैड डे. आई एम अ गुड सिंगर, मैं बुरा नहीं हूँ, बट उस दिन शायद मेरा बैड डे था. वो कहते सुमीर बहुत ही गंदा गाया आज तूने, हम किस मुंह से तेरे को ले. मैं कहा कोई बात नहीं. ओके और अगर बात करो खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस की तो क्या ऐसे रियलिटी शोज के लिए भी आप तैयार हो? बिग बॉस को पिछले 3 साल मेरे को बहुत बुलाया गया, बहुत मेरा नाम भी उछला. माय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मोर देन आई कुड हैव गॉन फॉर. सो आई डोंट थिंक सो. बाकी खतरों का खिलाड़ी का कोई ऑफर आया नहीं, सो आई रियली कांट कमेंट. ओके एंड लॉकडाउन की बात करो तो ऐसे टाइम पे आप कैसे मतलब अपने दिन निकाल रहे हो? व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस लॉकडाउन बेसिकली इफ आई आस्क यू? लॉकडाउन से मैंने ये सीखा कि अगर आप सबर करो तो फ्लिपकार्ट वीडियो जैसे शोज खेल पहेलो के आपकी जिंदगी में आ सकते हैं. सब्र का फल मीठा होता है, एक वो बहुत मैंने सीखा है. घर बैठे बैठे काम आ सकता है, सो दैट्स गुड. बाकी यस, यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, यू गेट टू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. सो मेनी थिंग टू इंट्रोस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट. ओके एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका शो जो है रिडल्स के बारे में, तो रियल रियल लाइफ में अगर पूछो तो आपने लास्ट रिडल जो आपको मतलब खेला होगा या सॉल्व किया होगा सो वो कब किया था? How long? स्कूल लेवल में बहुत करते थे, लेकिन वेरी फ्रैंकली अगर अभी खेल पहेलियों का सुनेंगी या देखेंगी ना, कुछ रिडल्स है जिनका आंसर मेरे को भी 4 बार लगा था हाँ क्या होगा इसका आंसर. नॉलेज में कमी तो है, बट इट्स गुड फन शो एक्चुअली, वेरी एजुकेटिव. इवन आई एम लर्निंग सो मेनी, क्योंकि हर रिडल के साथ हम फैक्ट्स भी बताते हैं आंसर के, तो बाद में मुझे लगता है शिट, इस पर्सनैलिटी ये इतना अचीव किया है, ये इसने ये भी किया, इसके बारे में ये भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. मेरी तो नॉलेज बढ़ रही है खेलते खेलते. आप खेली है नहीं?
As of now तो नहीं, but definitely I'm looking forward. लेकिन अगर कोई एक रिडल जो आपको याद हो या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर अगर आप बताना चाहो जो आपको नहीं पता था, literally it was shocking. So if you can say that. एक था जो मैं उस दिन मेरे को याद नहीं है, मेरे को स्क्रिप्ट याद नहीं है, एक जरूर था, मैंने कहा है इसका आंसर ये कौन सा है, एंड आई गॉट कंफ्यूज व्हाइल आई वाज शूटिंग. फिर मैंने चौथे पांचवे हिंट तक मुझे नहीं समझ आ रहा था आंसर, मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ी ली, मैंने कहा क्या है आंसर, एंड लाइक ओहो यस. सो मेरे को स्क्रिप्ट याद नहीं है, मगर उस दिन शूटिंग के दौरान एक आया था आंसर. ओके, एंड अगर आपके कैरेक्टर की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपको सुमेर एज बीइंग अ सुमेर अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना होगा तो आप क्या करना चाहोगे? मैं वीडियो में घुस जाऊंगा और सुमेर और पम्मी आंटी दोनों इकट्ठे दिखेंगे. फिर फ्लिपकार्ट भी वीडियो वाले कहेंगे ओहो हमारा बजट बढ़ गया, अब दो कैरेक्टर, फिर मैं दो कैरेक्टर के पैसे भी लूंगा. भाई मैं उनको डबल रोल दे रहा हूं तो मेरा पैसा बढ़ेगा ना. ओके, एंड अगर मैं पम्मी आंटी की बात करूं तो हम क्या इसको कोई रियलिटी मतलब शो देख सकते हैं, सीरियल या फिर कहीं पे कभी आपने ऐसे कुछ सोचा है या बात की है कि आपका ऐसा शो एक आना चाहिए? बिल्कुल, उसकी तैयारी चल रही है अभी, उसके प्री प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत जल्दी भगवान ने चाह इस साल शायद कुछ अनाउंस कर दूंगा. दैट्स अमेजिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है अभी इसके अलावा फ्लिपकार्ट वीडियोस के अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आई एम डूइंग अ मूवी चंडीगढ़ करे आशी की, डायरेक्टेड बाय, मैं गट्टू बोलता हूँ, अभिषेक कपूर. हाँ, अभिषेक कपूर, यस. मूवी आ रही है, एंड देन आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर आर देयर इन इट, एंड वो जुलाई में शायद रिलीज होनी चाहिए. मेरा परसों डब है, अभी बॉम्बे जाऊंगा, डब खत्म करूंगा. सो होप यू विल सी मी न्यू कैरेक्टर्स, इट विल बी गुड फन. Okay, so कभी ऐसे नहीं हुआ आपके साथ कोई हिलेरियस फैन मोमेंट, लाइक जब आप पम्मी आंटी के कैरेक्टर में हो और किसी फैन ने उसी टाइम पे आपको देख लिया और कुछ ऐसे अजीब सा कुछ हुआ हो, वियर्डेस्ट थिंग? बहुत ही वियर्ड चीजें हुई हैं, वो शायद मैं इंटरव्यू में बता भी नहीं पाऊंगा. कुछ होती हैं बिल्कुल, कई बार अंकल मेरे पे हिट कर जाते हैं जब मैं पम्मी आंटी के अवतार में हूँ, फिर मेरे को लगता है ना ना अंकल असलियत अंदर कुछ और है प्लीज. एक इवेंट पे हुआ था ऐसे, वो अंकल को बहुत ज्यादा चढ़ी थी, वो बैक स्टेज आकर फ्लर्ट करने लगे थे, देखा अरे इसको संभालो अंदर का माल कुछ और ही है. सो दैट हैज हैपेंड, बट अदरवाइज यू गेट लवली पीपल हु कम एंड रिस्पेक्ट यू एंड दे वांट टू इंटरेक्ट विद यू, सो प्यार बहुत. दैट्स अमेजिंग. सो वेल, लास्टली जाने से पहले हमारे फैंस एंड व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? बी फोकस्ड, बी पैशनेट, एंड मैं पीडीएफ बोलता हूँ हमेशा, पैशनेट, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड. यस, सब कुछ मिलता है लाइफ के अंदर, हर एक चीज का समय होता है, बट सॉरी बेल बजा. सो या, सो आई ऑलवेज से बी पैशनेट, बी डेडिकेटेड एंड बी फोकस्ड, दीज थिंग्स कैन लीड यू टू एनी सक्सेस इन लाइफ. All right, thank you so much, Sumer. It was a pleasure talking to you, and we are looking forward. Lastly, जाने से पहले एक shout out दे दो, कब देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं आपके episode, और कब से आ रहे हैं? Please, Flipkart video app को download करो, वहाँ पर नीचे जब जाओगे ना, वहाँ पर video section है, वहाँ पर मैं आपको पम्मी आंटी वाला खेल पहेलियों का खिलाता हुआ दिख जाऊंगा, बड़े बड़े poster है, please जाकर देखिए, and win exciting prizes, it's good fun show and knowledgeable also. All right. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. See you soon. Thank you so much. Bye-bye. Bye.